refractive index. When light passes from one medium to another medium, then the constant, that is sin I by sin R. यहाँ देखो. Incident. ये आपका angle of incidence है. ये angle of refraction है. आप इन दोनों की ratio ले लें. Sin I by sin R. तो आपके पास एक constant number आएगा. That constant number is called the refractive index, जिसे हमने optical density कही. क्या कही? Optical density कही. That is called the refractive index of the first medium with respect to the second. ठीक है? बड़े जी. When light passes from one medium to another medium, then the constant sin I by sin R is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium. कि पहले medium के लिहाज से दूसरे medium का ये refractive index है. Snell's law क्या कहता है? यही Snell's law. कि इन दो angles की जो ratio होती है constant होती है. So Snell's law states that when a ray of light enters from one transparent medium to another transparent medium, the ratio of the sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is always constant for a specific medium. So its mathematical form is n is equal to sin I by sin R. Problem gives you law of refraction. Refraction के कवानीन कितने हैं? पहली चीज वही point है जो आपने पहला law तो वही है जो आपने for the reflection पढ़ा था. Incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. सारे एक plane में होते हैं. The incident ray, the refracted ray, reflected नहीं कर reflected करना. This is refraction, not the reflection. The incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence lie in the same plane. The ratio of the sine of angle of incidence I and the sine of angle of refraction R is constant, is equal to a constant. This is the second point. That is the Snell's law. Second point is Snell's law. So refractive index where the ratio sin I by sin R is known as the refractive index of the second medium with respect to the first medium. Or you can say that the optical density of the second medium with respect to the first medium. अब अगर m की value जो है वो 1 हो जाए, refractive index की value कितनी हो जाए? 1 हो जाए. इसका क्या मतलब है? मतलब उसकी optical जो density वो 1 ज़्यादा है उससे. मतलब medium की density change नहीं हो रही. पहले मीडियम और दूसरे मीडियम की डेंसिटी सेम है. अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए? 1 हो जाए. इसका मतलब क्या? पहले और दूसरे मीडियम की डेंसिटी सेम है. जो एंगल पहले में था वही दूसरे में. लेकिन अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए? देखें फॉर्मूला क्या ये है ना, साइन आई बाय साइन आर. ये है ना, अगर ये 1 होता इसका मतलब ये दोनों सेम थे. समझ आया? तो इसका समझ आया नहीं है? अगर मैं कह दूं ये 1 है, n is equal to 1, this में दोनों angle incidence और angle refraction दोनों same है, इसका मतलब medium की density change नहीं हो. But अगर मैं कह दूँ ये 1 से बड़ा है, तो असल में sin I बड़ा होगा. हाँ. I बड़ा होगा और R छोटा होगा. क्यों? आपको पता है कि आपका एंगल जो किसी भी एंगल का साइन है, अगर एंगल जीरो हो तो साइन भी जीरो होता है. जो जो आपका एंगल 90 के करीब जाता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो साइन की वैल्यू भी बड़ी होती जाएगी और 1 को अप्रोच करेगी. समझ आया नहीं है? तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हुआ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ? छोटा हुआ. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ? छोटा हुआ. एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हुआ तो पहला मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी, दूसरे पहले मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी. फिर चेक करते हैं, बनाते हैं ना यहां पर. अगर या पीछे वाले मेरे ख्याल में इसके ऊपर था, यहां पर देखें तीनों कैसे डिस्कस करते हैं. अगर तो दोनों एंगल सेम हो जाए, मतलब सीधी चली जाए, तो दोनों की डेंसिटी सेम है. अगर पहला वाला एंगल बड़ा हो, दूसरा वाला छोटा हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाए, तो क्या होगा? ये 1 से ग्रेटर होगा? नहीं होगा. साइन बड़े एंगल का बड़ा होगा, छोटे का छोटा होगा. इसका मतलब आपके पहले मीडियम की डेंसिटी कम और दूसरे की ज्यादा. अब समझ आया कि जब लाइट जो है वो एयर से ग्लास में दाखिल होगी, आपको पता है जो एयर है वो एक रेयर मीडियम है, उसकी डेंसिटी कम है और जो ग्लास है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो आपकी लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाएगा. तो तब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 से ग्रेटर होगा. और अगर रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर में जाए, तो अब क्या होगा? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम के अंदर है. अब समझ आ नहीं है? हमने पहले मीडियम के लिहाज से दूसरे का चेक करना है. नो साइन आई by sin R will be less than 1. और पता चलेगा लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है.
समझ आया नहीं यार, क्योंकि अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है. सो नो द डेंसिटी ऑफ द सेकंड मीडियम इज लोअर देन द फर्स्ट मीडियम. समझ आया नहीं यार, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाए, दोनों मीडिया की डेंसिटी सेम है, एंगल में कोई चेंज नहीं आया. अगर आपका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ग्रेटर हो जाए तो सेकंड मीडियम की डेंसिटी फर्स्ट से ज्यादा है, और पहले मीडियम में एंगल ऑफ जो एंगल बन रहा है इंट्रेंस के लिए वो बड़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन छोटा है, ठीक है. लेकिन अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है. समझ आ नहीं आ, पहले मीडियम की डेंसिटी ज्यादा दूसरे की कम है. क्लियर हो गया, बिकॉज़ द रेशियो इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज कॉल्ड द सुनेज लॉ. ये हमने एक स्लाइड लिखी, मैंने पहले पेपर नोट पढ़े थे वहां से मैंने निकाल के बाहर डाल दी. डिपेंडिंग ऑन लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. वही दो लॉज है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्वियस द फॉलोइंग टू लॉज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. So when a ray of light passes from one transparent medium to another, the ratio of the sine of angle of incidence I and the sine of angle of refraction is constant. Speed of light in medium. Refraction of light is caused. So banda puchte why light undergo refraction. Light jo hai wo refraction ki property kyun show karti hai. So refraction of light is caused by the difference इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया. जो रोशनी की रिफ्रैक्शन है ये कॉज होती है, ये पैदा होती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस आर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया. रोशनी की रफ्तार डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि डिफरेंट मीडिया की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है. क्यों? मीडियम किसी मटीरियल के पार्टिकल्स बहुत बहुत करीब करीब है, किसी के दूर दूर है. किसी मीडियम के पार्टिकल्स करीब करीब है, किसी के दूर दूर है. छोटी सी मिसाल देता हूं, एक बंडा पकड़े पानी में फेंके नीचे जाएगा, फिर एक बंडा पकड़े शहद में फेंके, देखे किसमें जल्दी नीचे जाएगा, पानी में. क्यों? उसकी डेंसिटी शायद से कम है. सिमिलरली क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जो लाइट है इसको कुछ लोग ऐसे पार्टिकल ट्रीट करते हैं, कुछ लोग ऐसे वेव ट्रीट करते हैं. तो याद रखिए, अगर हम ये समझ लें कि लाइट जो है फोटॉन्स पे मुश्तमिल है, पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है, तो फिर जो मीडियम डेंसर होगा उसके अंदर से लाइट के फोटॉन को मूव करने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जी. उसमें उसके अंदर उसकी स्पीड कम होगी. और अगर रेयर मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर है जैसा कि हमारी हवा है, तो उसके अंदर उसको मूव करने में बहुत कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, बहुत कम मुजामत का सामना करना पड़ेगा. सो देखो क्या होगा, उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी. प्रॉब्लम किसी को याद नहीं समझा. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही याद रखिए, मतलब पूछे जवाब ये है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अकर्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया. मीडिया मीडियम का प्लूरल है. फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ लाइट इन हियर इज अप्रोक्सीमेटली 3×10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड. However, when light travels through a medium such as water or glass, its speed decreases. Why? Because the density of the water or glass is more than that of air. Problem gives you. So, the speed of light in water is approximately 2.3×10⁻¹⁸ meter per second. While in glass is approximately 2×10⁻¹⁸ meter per second. हमें ये था सबसे ज़्यादा किसमें? Air में. फिर? Water. Water में. फिर? ग्लास में. ग्लास की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, कम है. अच्छा हाँ, ग्लास की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इस वजह स्पीड उसमें सबसे कम है जी. वाटर की डेंसिटी ग्लास से कम है लेकिन एयर से ज्यादा है, तो उसमें थोड़ी सी कम है, उसमें इन बिटवीन है. और एयर की डेंसिटी सबसे कम है, देखो वहां पे जो लाइट की स्पीड है सबसे ज्यादा. सो टू डिस्क्राइब द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड जो है उसके चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम वी यूज द टर्म इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन. इंडेक्स का मतलब है शहादत वैसे, ठीक है. इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की जो वैल्यू आ रही है, एन की जो वैल्यू आ रही है, वो वन से ग्रेटर हो, तो हम कहते हैं जी जो हमारा पहला मीडियम था उसकी डेंसिटी कम थी और दूसरे की ज्यादा. दूसरे के समय में डेंसिटी पता चलेगा कि दूसरे मीडियम के पहले के लिहाज से कितनी है, तो दूसरे की ज्यादा. अगर वन से लेस आ जाए इसका मतलब दूसरे की कम है पहले की ज्यादा थी. प्रॉब्लम गिव यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फार्मूला हमने पढ़ा, n is equal to sin I by r, दैट इज द बेसिक फार्मूला. बट ये फार्मूला भी प्रूव किया जा सकता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ द मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट c जो कि एयर में है टू द स्पीड v ऑफ द लाइट इन द मीडियम.
तो क्या करें, आपने किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू द एयर, ये एयर के लिहाज से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। आपने करें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिवाइड कर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, आपको फिर भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। दो फॉर्मूले आपके पास है, ये टेबल है जी आपके पास। इस टेबल में आपको बताया जा रहा है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द वेरिएशन इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद द कलर, विद द कलर। डिस्पर्शन इन ड्रॉप ऑफ वाटर सेपरेट्स द कलर्स ऑफ लाइट इनटू ए रेनबो। क्या मतलब समझ आया इससे? हम लोग जब किसी डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज द स्प्लिटिंग अप ऑफ द लाइट इनटू सेवन कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, और थ्रू ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द रेनबो जो बनते हैं सेवन कलर्स। तो याद रखो द स्प्लिटिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ द लाइट इनटू सेवन कलर्स दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इससे आपको सेवन कलर्स की एक पट्टी मिलती है, एक बैंड मिलती है, या सेवन कलर्स आपको सेपरेटेड नजर आते हैं कि पता चलता है बाकी जो लाइट है वो सेवन कलर्स से मिलकर बनी है। तो जो लाइट अपने सात रंगों में टूट जाती है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद द कलर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी करता है फ्रॉम कलर टू कलर। इसका क्या मतलब है, गौर से सुनना, वो कलर या वो लाइट जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उनकी बेंडिंग में फर्क है, उनकी बेंडिंग में फर्क। अब जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है वो सबसे ज्यादा बेंड करता है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है वो सबसे कम बेंड करता है। मेरी बात समझ आई? बेंडिंग डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ये आपको बताएगा ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, लेकिन वो वेरी करता है फ्रॉम कलर टू कलर, फ्रॉम द वेवलेंथ टू वेवलेंथ। तो याद रखिए क्योंकि हर कलर की बेंड करने की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट है, तो जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम बेंड करेगा, और जिसकी कम होगी वो ज्यादा बेंड करेगा। चेक करें सबसे ऊपर आपको रेड नजर आ रहा है, रेड कलर नजर आ रहा है क्योंकि वो सबसे कम बेंड किया, और सबसे नीचे आपको वायलेट कलर नजर आ रहा है वो सबसे ज्यादा बेंड कर दिया। वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द, फिर सुन लें, कहता डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द वेरिएशन इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद द कलर, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन आती है, वो विद रिस्पेक्ट टू द कलर चेंज होता है, हर कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या डिफरेंट है। सो देयरफॉर वेरिएशन इन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ड्यू टू द कलर आपको जो लाइट है वो डिस्पर्स नजर आती है। पीछे तो लाइट एक आ रही है लेकिन जैसे वो रिफ्लेक्ट करेगी कोई कलर ज्यादा बेंड करेगा कोई कलर कम बेंड करेगा, जो कम बेंड करेगा वो अलग हो गया, जो ज्यादा बेंड करेगा वो भी अलग हो गया, दरमियान भी अलग हो गया, आपको सेवन कलर्स का एक बैंड नजर आएगा। प्रॉब्लम किसी क्लियर हुआ नहीं हुआ? एनी कंफ्यूजन? अच्छा जी, और यही आपको रेनबो का डिस्पर्शन ऑफ डिस्पर्शन इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर सेपरेट्स द कलर्स ऑफ लाइट इनटू अ रेनबो। तो ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर जो डिस्पर्शन होती है लाइट की वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेनबो में, या सात कलरों की एक पट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं, जरा पढ़िए और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है? सबसे पहले लिखा हुआ 2.42 डायमंड का सबसे ज्यादा लिखा हुआ, फिर क्यूबिक जिरकोनिया उसका 2.21 है, ग्लास फ्लिंट शीशे की किस्म है 1.66, ग्लास क्राउन 1.52, इथाइल अल्कोहल 1.36, आइस 1.31, वाटर 1.33, एयर 1। बताइए सबसे ज्यादा किसका डायमंड, और सबसे ज्यादा चमकदार भी कौन है? डायमंड ज्यादा देर तक अपने अंदर रोशनी को रोक कर रखता है, नहीं बाहर नहीं होता, और दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है उसका ताल्लुक है किसके साथ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ। जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके अंदर याद रखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होने के लिए क्रिटिकल एंगल जो है वो बहुत छोटा होगा, उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा अकर होगा। डायमंड जो शाइन करता है बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपको यह पता चलेगा कि हाँ जो लाइट है एक मीडियम के अंदर कितनी ज्यादा देर तक रिजाइड करेगी।
तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होने की वजह से इसके अंदर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आकर होता है वो ज्यादा आकर होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आगे कि वो क्यों ऐसा क्यों है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों ज्यादा होता है, इसकी क्या वजह, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज कहता है वेदर द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर और लेस फॉर ए मीडियम विद हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सवाल यह है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर और लेस, वो लेस भी हो सकती है और मोर भी हो सकती है फॉर ए मीडियम, एक मीडियम के लिए विद हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कहता है अगर किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो तो क्या उसके अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी या कम होगी, उसके अंदर लाइट ज्यादा बेंड करेगी कम बेंड करेगी, ज्यादा बेंड करेगी, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, यही जवाब था। एग्जांपल आगे जी, रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52 देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर्मूला आपके पास है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू sin i / sin r। फॉर्मूला आपके सामने यूजिंग स्नेल्स लॉ, आपने वैल्यू पुट की, sin r को आपने n से जाकर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसे नीचे जाकर डिवाइड कर दो, तो साइन ऑफ 30 डिग्री को आपने 1.52 से डिवाइड किया, अब जाकर साइन इनवर्स उधर ले लें, आपके पास ये चीज आ जाएगी, करके देने की जरूरत है या कर लेंगे, सो हेज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 19.3 डिग्री। पता चल रहा बाकी जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रे में दाखिल हो रही है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है। प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया, इसके बाद हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक जो है वो शुरू होना है, लेकिन कुछ सवाल इससे रिलेटेड हम देखते हैं और उनके जवाब भी देखने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड बड़े मजे के सवाल हैं, हमने भी देख लें। रे ऑफ लाइट इंटरिंग द सेकंड मीडियम, या ये कह दिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर रे ऑफ लाइट जो है परपेंडिकुलरली दाखिल हो जाए, क्या कहा गया, अगर एक रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में दाखिल हो रही हो, इफ ये हमारा एक इंटरफेस है और यहां से रे ऑफ लाइट जो है वो दाखिल हो रही है परपेंडिकुलरली एट सम एंगल, तो वो बेंड नहीं करती, ये सवाल है। रे ऑफ लाइट इंटरिंग द सेकंड मीडियम परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस ऑफ सेपरेशन शोज नो चेंज ऑफ डायरेक्शन, एक्सप्लेन व्हाई, इसका क्या जवाब है। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए, जब लाइट रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली दाखिल होती है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट डज नॉट शो ए चेंज इन पाथ, वजह क्या है, ये बेंडिंग शो नहीं करते, इसकी क्या वजह है। तो पहली बात तो यहां आप गौर से देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली दाखिल होगी फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जीरो, व्हाई, अगर 90 डिग्री एंगल नजर आ रहा है हर बंदे को नजर आ रहा है, आपने कहा जीरो कह दिया, जीरो कैसे, ओ मैडम वाह जीरो, सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, लॉजिक बताया आपने जीरो क्यों कहा, चल आपके बाद में सुनो, आप मरने पड़ गई है, पता नहीं मुझे अब उस्मान साहब ने जिबा कर दिया, बताया जी क्यों एंगल ऑफ जीरो पे किसका क्यों कहा आपने, क्यों कहा, मैंने पहले कहा अगर चीज नहीं पता ना तो तुक्का नहीं मारना, किस लॉजिक के मुताबिक आपने कहा एंगल जीरो है, नजर आ रहा सरफेस का कितनी डिग्री का बना 90 डिग्री का, आप कह रही है जीरो है जी, मैडम क्लास में है ना, नहीं कहां पे, इधर इधर है, क्लास में नहीं है, बताएं फिर क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहां पे, कैसे 90 डिग्री, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, आप पहली बात मुझे ये बताएं एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस और रे के दरमियान में मेजर होता है या नॉर्मल और रे के दरमियान में मेजर होता है, ये एक अजाब आप घर से लिख के लाएंगी, ये एरर मैं पहले चैप्टर से डिस्कस करता आ रहा हूं और शायद आज के बाद भी डिस्कस ना हो, नॉर्मल और रे के दरमियान में आपका नॉर्मल किधर है, रे बजाते खुद नॉर्मल के ऊपर आ गई है, एंगल जीरो हो गया है, नहीं समझ आया, कौन से सुने,
हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस गौर से सुनना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द रे एंड नॉर्मल, याद आप लगा The angle of incidence is the angle between the ray and the normal to the surface. कितनी दफा हो जा रही है? 1000. हाँ जी, किसी को ऑब्जेक्शन है? नहीं है? हाँ या ना में जवाब? ठीक है, तो पहली बात तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना नहीं आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना नहीं आया, आपने खाक निकालना है गलत जब आपको पता ही नहीं है। और मजे की बात से सुनना, अब पता चल गया, इंशाल्लाह याद रहेगा, 1000 की टुकी पूरी जिंदगी याद रहेगी, और मैं बना दफा लिखा था हमारी ये गलती थी, इंशाल्लाह ये पूरी जिंदगी भूलेगा अपने, कि जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली दाखिल होगी फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम देन देयर विल बी नो बेंडिंग। इसका क्या जवाब है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो क्यों होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो था। पहली बात तो आपने ये स्पेसिफाई करना कि यहां पे जब रे ऑफ लाइट दाखिल हो रही है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, आपने कहा 90, यहां पे तो आपने सबसे बड़ा बेवकूफी का काम किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस असल में जीरो है, क्यों? बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, सो हियर द रे इज entering from one transparent medium to the other by traveling on the normal. It is on the normal. Normal pe hai na? So therefore, aapka angle I yahan dekhe. When a ray of light enters perpendicularly in a medium by Snell's law of refractive index is this. Here, yahan pe, angle I kitna aa gaya? 0 degree. So, ab aapne is formula mein value put ki, sin r, ab aapne yahan karna kya? Sin r ko aap yahan la ke multiply kare. और आने को नीचे ले जाए, आपको पता है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपके पास है ग्लास का, दैट इज 1.66 या 1.52। अब आपने क्या करना है, उसको नीचे ले गए, नीचे नॉन जीरो क्वांटिटी है, आपने आई की वैल्यू किसाना जीरो जीरो होता है, अब एन से आप उसको डिवाइड करेंगे जीरो आ जाएगा। अब ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर, दिस इंप्लाइज दैट refractive index times sine of angle r is equal to sine of angle i ki value putegi because angle of incidence is zero in this case, so sine of zero is zero, so no n times sine of angle of refraction is zero, no the product of two things is equal to zero, so by the property of real numbers if the product of two for all a and b n which are reals zero sign. So this implies that a is zero r b is zero, एन तो यहाँ पे जीरो नहीं ना होगा तो साइन ऑफ आर जीरो होगा, दिस इंप्लाइज दैट साइन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो बट एन इज नॉट जीरो। सो अब आप कहते हैं साइन इनवर्स लेंगे तो जाके, तो फ्रॉम हियर यू विल हैव साइन यू आपका एंगल आर है दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ जीरो, साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, सो योर एंगल आर इज आल्सो जीरो, साइन इनवर्स ऑफ जीरो भी जीरो होता है, अगर साइन जीरो जीरो है तो उसका यूनिट भी तो जीरो ही होगा, जीरो पे जीरो आ रहा है ना, सो देयरफॉर योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज जीरो। जब आपकी इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो बाय स्नेल्स लॉ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा। प्रॉब्लम किसी को समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ? अब आगे चले, सुनो जी ये हमने सारा कुछ कर लिया, ये किया हुआ सारा कुछ, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है हमारा जो कि हमारा आगे वाला लेक्चर होगा, यहाँ तक किसी बच्चों की प्रॉब्लम हो मेरे से पूछो, गुड।